पनीर हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और पनीर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो फटाफट बनके भी तैयार हो जाती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की घर पर बनती है। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफरॉन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि पनीर लबाबदार कैसे बनाते हैं। पनीर लबाबदार बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम मनचाहे टुकड़ों में काट लेंगे। पनीर को मैं चौकोर टुकड़ों में काटूंगी। पनीर को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर की प्यूरी तैयार करने के लिए ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और चौथाई कप काजू लिए हैं। इन सभी को हम मिक्सी के जार में पीस कर टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेंगे। हमने टमाटर और काजू को पीस कर टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम पनीर लबाबदार बनाएंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लेंगे। तिल को हम रोस्ट करेंगे। तिलों को हम चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। तिल हमारे गुलाबी हो गए हैं, देखिए तिल हमारे फूल भी गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर ठंडा करके इनको पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 हरी इलायची डाल देंगे। चौथाई टी स्पून हम जीरा डाल देंगे। जीरे को हम भूनेंगे। जीरा हमारा भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे जो हमने पीस के तैयार करी है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। चौथाई टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। चौथाई टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टी स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टी स्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने तेल रोस्ट करके रखे थे और इनको पीस लिया है, इनको भी डाल देंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को तेल छोड़ने तक भूनेंगे। मसाले ने देखिए तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें लगभग आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी को जितना गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप पानी डालें। अब हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। चौथाई टीस्पून हम गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और लगभग 2 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमने पनीर को लगभग 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों की सहायता से रगड़ लेंगे, इससे पूरा खुल के फ्लेवर आता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम पनीर को गैस पे से उतार लेंगे। अब हम पनीर में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम तड़का पैन लेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। आधा टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे कलर आएगा, ये तीखी नहीं होती है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पनीर के ऊपर डालेंगे। अब हमारा पनीर लबाबदार बनके तैयार है। अब हम सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार हमारा बनके तैयार है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी बनके तैयार हुई है। इसका टेक्सचर भी कितना सुंदर आया है। आप इसको लंच या डिनर में रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।